हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत करते हैं अपने खास चैनल पे एग्रो कैरियर कुशा पे। तो आज की हम इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जो डॉक्टर आर पी सिंह कुशा में अगर आप भी चाहते हैं एडमिशन लेना एमबीए रूरल मैनेजमेंट में आरएम में, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन आरएम रूरल मैनेजमेंट में, तो आपके लिए आवेदन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। लास्ट डेट जो है उसका आवेदन करने का वो 30 सितंबर रखा गया है, यानी 38 सितंबर तक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप आईसीआर का एग्जाम दिए हैं, कैट मेट जेट का एग्जाम दिए हैं रिसेंटली, तो आपके उस वैलिड स्कोर से सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या करना होगा आपको ये बताते हैं। ये जो टोटली जो है आपको सबसे पहले अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे। जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाने के बाद क्या है कि आपको सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिक वहाँ से पता चल जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम उसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज जानकारी दे देते हैं कि अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही जानकारी देते हैं कि चलिए अगर आप भी आईसीआर का एग्जाम दे दिए, एमबीए दे दिए, कैट मेट जेट का एग्जाम दे दिए और एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आरएम में, तो आप वहां पर जा सकते हैं। जिसके लिए आपको डॉक्टर आर पी सिंह कुशा का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। आपको 1000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको पेमेंट करना होगा, और साथ में जो जनरल और ओबीसी के हैं उन्हें 1000 रुपीज, जो एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उन्हें 500 का लगेगा। उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा वो 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स पे, और उसके बाद आपका जितने भी मार्क्स आए हैं उसका 30% जो आईसीआर का एग्जाम दिए होंगे चाहे एमबीए कैट मेट उसका स्कोर का 30% लिया जाएगा, और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसमें से जनरल कैटेगरी वाले लोगों को 60% मार्क्स पूरा करना है क्वालिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद आपको जो कैटेगरी वाले हैं उनको 50%, और ओवरऑल जो ओजीपीए की बात करें तो ओजीपीए मिनिमम आपका 6 होना चाहिए और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 5.5 और 5 है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी 60% और 55% 50% से कम नहीं होना चाहिए जो कैटेगरी वाले हैं। जनरल वाले को और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 60% मार्क्स होना चाहिए। इसी के साथ बात करेंगे कि इसमें जो एडमिशन लेंगे तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। फी स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 72,000 लेंगे, फिर उसके बाद 52 है, फिर उसके बाद 53 है, फिर 52,000 है। इस तरह से मिलाकर आप काउंट करेगा 70,50, 1,20,000 और 1,00,000, यानी 2,20,000 के अराउंड 2 सालों के फी है। इसमें 100% प्लेसमेंट होता है, तो आपको प्लेसमेंट के लिए भी टेंशन नहीं लेना। आप जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप एडमिशन के लिए आप जा सकते हैं। और भी कुछ जानकारी के लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके हैंड रिटन या प्रिंट वर्ड फाइल में प्रिंट करके आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। और उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट पेबल टू जो पेबल होंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ब्राउजर पढ़ लीजिएगा, उनके नाम से पेबल होना चाहिए किसी भी बैंक से। साथ में एक चीज और बता देते हैं कि इसका जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सारा उसमें डॉक्यूमेंट लगा के उसमें नीचे साइन कर दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, और 30 तारीख तक आपको जो कंट्रोलर रजिस्ट्रार है वहां पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए हम आशा करते हैं सारा डिटेल आपको जानकारी मिल जाएंगे, वो ब्राउजर एडमिशन ब्राउजर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें कितने सीट है, 30 के अराउंड सीट है, और बाकी कितने सीट घटते बढ़ते रहते हैं और कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको डॉक्टर आर पी सिंह कुशा ही मान्य रखता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा रहा होगा। थैंक यू दोस्त सो मच, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, बाय बाय।